सो हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज की न्यूज़। वो है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे पीओके विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया सून, मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। देखिए मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं ये, ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि जो पीओके, ठीक है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा बनेगा बहुत ही जल्दी, इनका ऐसा कहना है। क्या है पूरी बात, हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट पाक जॉइनिंग इंडिया साइटिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान। इन एन इंटरव्यू, पुरी स्टेटेड इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान डिटेरियरेटेड सो मच दैट आफ्टर सम टाइम पाक में सून लाइकली टू मर्ज विद इंडिया। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, ठीक है, उसको देखते हुए इस तरह से बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मेरा ऐसा ख्याल है, मेरी ऐसी सोच है कि आने वाले टाइम में जो पीओके है वो इंडिया के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत ही गिरी हुई हैं, मतलब बहुत ही तबाहकुन है, और उसी को देखते हुए बहुत ही जल्दी जो पाक है वो हमारा हिस्सा बनेगा। पाक मे सून लाइकली टू मर्ज विद इंडिया। फर्दरमोर ही डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ खालिस्तान, सेइंग लेट देम क्रिएट खालिस्तान इन कनाडा मोस्ट ऑफ। और बाद में उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो उसमें जो आइडिया ऑफ खालिस्तान है, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर मतलब उसको डिसमिस किया, खारिज किया उसको, कि उन्होंने कहा कि चलिए उनको खालिस्तान का आइडिया, खालिस्तान जो है बनाने का जो उनका ख्याल है वो कनाडा में ही रहे, वहीं पर वो बनाएं उसको, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चलिए देखिए नेक्स्ट, हमारे पास 3000 इंडियन सिक्स अराइव इन पाकिस्तान फॉर गुरु नानक जयंती। देखिए गुरु नानक जयंती जो है वो आने ही वाली है, ठीक है, और उसी को देखते हुए आप सबको पता है कि जो वहाँ पर जो गुरु नानक जी जो उनकी जहाँ पर वो पैदा हुए थे वो पाकिस्तान में थे, ठीक है ना, तो उसी के चलते हुए जहाँ पर जिस जगह वो पैदा हुए थे उसी जगह ये जाते हैं यहाँ पर सिख, अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो उसी के चलते हुए जो 3000 सिख हैं, इंडियन सिख, वो पाकिस्तान पहुँचे हैं किसके लिए, फॉर गुरु नानक जयंती के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर इसको और थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, ठीक है। देखिए इंटू पाकिस्तान पंजाब फॉर 55th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, सेलिब्रेशन गुरु नानक देव जी, ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इस चीज़ में देखेंगे द पिलग्रिम्स रिसीव्ड फुल प्रूफ सिक्योरिटी सलीम एक्सप्रेस रेडीनेस टू अकोमोडेट मोर इफ अलाउड बाई इंडिया। द फेस्टिविटीज इंक्लूड विजिट्स टू वेरियस गुरुद्वारा ड्यूरिंग देयर 10 डेज स्टे। देखिए 10 दिन के लिए रहेंगे वहाँ पर, और उनके सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है, और मतलब अलग अलग जहाँ पर उन्होंने गुरुद्वारा वगैरह देखना है, तो 10 दिनों के लिए मतलब ये वहाँ पर जाके रह सकते हैं, 10 दिन का इनका वीज़ा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये क्या चीज़ है। माई चाइल्ड डिड नथिंग रॉन्ग, मदर ऑफ इन्फ्लुएंसर हु डाइड बाई सुसाइड आफ्टर ऑनलाइन बुलिंग। देखिए इनको जो एक चाइल्ड है, ठीक है ना, उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड उसकी करने की वजह यह रही कि उस यहाँ पर अगर आप देखेंगे उस मतलब उसकी रील्स पर कुछ कमेंट्स वगैरह हुए, कैसे हुए, उसको लिबास के लेकर, ठीक है ना, लिबास को लेकर मतलब उसको ड्रेस को लेकर, ड्रेस जो उसका था उसको लेकर कुछ कमेंट्स वगैरह आए जो उसको अच्छा नहीं लगा, और बाद में उसने क्या कर दिया, सुसाइड कर दिया। और उसकी माँ ने कहा है क्या कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। माई चाइल्ड डिड नथिंग रॉन्ग, मदर ऑफ इन्फ्लुएंसर हु डाइड बाय सुसाइड आफ्टर ऑनलाइन बनिंग, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये है 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स ए टर्निंग पॉइंट इन इंडिया सिक्योरिटी। देखिए जैसे कि एनिवर्सरी अभी यहाँ पर वो जो अटैक हुआ था उसकी एनिवर्सरी कल जो है वो 26/11 को मतलब रिपीट हुई है, ठीक है ना, और उसी के चलते जो इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको मतलब हाईलाइट किया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये हैं लॉरेंस बिश्नोई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और इधर सलमान खान, और ये हैं गिप्पी ग्रीवाल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या हुआ है, फायरिंग एट गिप्पीज कनाडा होम, गैंगस्टर लॉरेंस क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रेटन्स सलमान। देखिए ये काफ़ी पुरानी लड़ाई चल रही है, तो गिप्पी ग्रीवाल जो इनका कनाडा में घर है, ठीक है ना, उसी को चलते मतलब वहाँ पर उनके घर में क्या हुआ, फायरिंग हो गई, और फायरिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जो उस पर जिसने अपनी जिम्मे ली है वो कौन है, लॉरेंस बिश्नोई, और फिर ऐसा होने के बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने भी सलमान खान को भी धमकी दी, बट ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, एर्लिंग हैलैंड बिकम्स फर्स्टेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर टू हिट 50 गोल्स। ये ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने बहुत ही जल्दी क्या किया, 50 गोल्स किए हैं, ठीक है ना, कंप्लीट किए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसराइली एम्बेसी स्ट्रॉन्ग वोडेड लेटर टू इंडिया ओवर संजय राउत्स पोस्ट। देखिए जो संजय राउत की एक पोस्ट है उसी को देखते हुए जो इसराइली एम्बेसी है उन्होंने स्ट्रॉन्ग वोडेड लेटर जो है इंडिया को भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है,
टू कजन्स प्लेइंग हाइड एंड सीक गेट ट्रैप्ड इन फ्रीजर इन राजस्थान टाइप। देखिए दो कजन्स थी, ठीक है, और वो क्या कर रही थी कि जो फ्रीजर है उसके अंदर वो क्या कर रही थी, छुपा लुकी या लुकी लुका छुपी क्या ऐसे बोलते हैं ना, है ना, तो वो अंदर क्या ऐसे हाइड एंड सीक, ठीक है ना, वो मतलब वो गेम खेल रही थी, और उसी के चलते चलते वो कहाँ जाकर छुप गई, वो उस फ्रीजर के अंदर जाकर छुप गई, और जब फ्रीजर बंद हुआ तो वो उनसे खुल ना सका, और उसी के चलते मतलब सफोकेशन होने के चलते उनको ऑक्सीजन ना मिलने के चलते उन दोनों की डेथ हो गई, जो कि एक अफसोसनाक एक ये और दर्दनाक और बहुत ही दुख भरी ये लास्ट वाली स्लाइड आपके साथ शेयर की है। तो बच्चों का, छोटे बच्चों का खासकर ध्यान रखें उनका, और खासकर बिल्कुल छोटे बच्चों का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब छोटे बच्चे हैं तो छोटा दिमाग है तो उतनी सोच वो रखते नहीं हैं, तो इसलिए उन पे नज़र रखना, माँ बाप का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा फ़र्ज जो है वो माँ बाप का होता है। तो इसलिए जब भी छोटे बच्चे आपके घर में मतलब कुछ खेल रहे हों, सीधी सी बात है कि पूरी नज़र रखनी अपने बच्चों के ऊपर, कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यही थी लास्ट और आखिरी और एक सैड स्क्रीन, सैड एक स्टोरी, ठीक है ना, सैड कहानी, ठीक है ना, जो कि एक वारदात हुई है बहुत ही दुख और दर्द भरी, ठीक है ना। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं स्टॉप। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए गुड बाय, टेक केयर।